विषय हिंदी, अनुपूरक ग्रंथ कृतिका का पहला पाठ माता का अंचल। लेखक का नाम है शिव पूजन सहाय। इसका सारांश समझाना है। लेखक ने माता का अंचल पाठ में शैशव काल के शैशवीय क्रियाकलापों को रेखांकित किया है। इसमें माता पिता के स्नेह एवं शिशु मंडली द्वारा मिलजुल कर खेले जाने वाले खेलों को उद्घृत किया है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि शिशु का पिता उसके साथ भले ही अधिक समय बिताता हो, दोनों भले ही एक दूसरे से साथ अत्यधिक स्नेह करता हो, किंतु आपदाओं में माँ के अंचल में ही शिशु को शरण मिलती है। ऐसे समय में पिता से अधिक माता की गोद प्रिय और रक्षा करने में समर्थ प्रतीत होती है। इस पाठ में लेखक के शैशवीय काल का वर्णन है। बचपन में इनका नाम तो वैसे तारकेश्वर नाथ था, लेकिन पिताजी जब पूजा करने बैठते तो अपने पास बैठा लेते, इनको भभूत लगाते, बड़े बड़े बाल, जटायुक्त या भोलानाथ जैसे दिखते, इसलिए पिताजी इनको प्यार से भोलानाथ कह के पुकारते थे। पूजा पाठ के बाद जब पिताजी पूजा पाठ करते रहते थे तो ये दर्पण लेकर अपने मुंह देखते, कभी पिताजी उधर देख देते तो वह शर्मा जाते। उसके बाद रामनामा वहीं पर पूजा के बाद राम नाम लिखते, उसके बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़े पर राम नाम लिखकर उन्हें आटे की गोली लपेटकर गंगा में मछलियों को खिलाने के लिए जाते। उस समय में भी भोलानाथ को पिताजी अपने कंधे पर ले जाते और मछली को खिलाते हुआ देखते रहते। आने वक्त पैरों की डाली पर झूला झूलाते, फिर उनके साथ खेलते भी, कुश्ती भी लड़ते, जानबूझकर हार जाते थे। उनसे खट्टा और मीठा चूमा मांगते थे तो बाएं गाल का खट्टा चूमा और दाएं गाल का मीठा चूमा देते थे। वह मूछें गड़ा देते थे, उस पर वह गुस्सा में आ जाता था। पिताजी अपने साथ भोलानाथ को खिलाते भी थे गोरस भा दूध, लेकिन उसकी माँ नहीं मानती थी। जो मर्द में क्या जाने बच्चे के खिलाने का हाल, फिर भी उनकी माता कौआ, मैना, तोता आदि का कर बनाकर उन्हें खिलाते और कहते उनको जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएगी। माँ उनके माथ में पकड़कर सरसों का तेल दे देते, उनको जुटी गूट देते बाल का, रंगीन कुर्ता टोपी आदि पहना देते, चोटी में फूलदार लट्टू बांधती, खासे कन्हैया जैसे ये प्रतीत होती। इसके बाद ये बच्चे भोलानाथ अपने बच्चे बचपन के दिन में अपने साथियों के साथ अनेक प्रकार के खेल खेलते, जैसे मिठाई का दुकान, मिट्टी के ढेलों के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौड़ी, गीली मिट्टी की जलेबी, फूटे घरों की टुकड़ों के बतासे आदि बनाते, दुकान सजाते, कभी खेतीबाड़ी कर लेते तो कनस्तरों का तंबूरा बजता, आम की उगी हुई गुठली को घिस कर सहनाई, कंकर के बीज बनते और लाठी का हल बनता, दिए का तराजू पर उसको तौला जाता, तैयार होते खेत में अन्न, समय नहीं लगता। जब कभी बच्चों की बारात वाला खेल खेलते तब कनस्तरों का तंबूरा बजता, आम की उगी हुई गुठली को घिस कर सहनाई बनती, हम में से कोई दूल्हा समझी आदि बनते, बारात चबूतरा के एक कोने से दूसरे कोने तक जाकर लौट आती। इसी बीच पिताजी आ जाते तो सभी हंसते हुए वहाँ से निकल जाते। ये बच्चे लोगों को के साथ शरारत भी करते थे। अगर किसी रास्ते से जाते हुए दूल्हे की पालकी को देखते, दूल्हे के आगे की पालकी को देखते तो खूब जोर से चिल्लाते, रहरी में रहरी, पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी,
इस पर एक खसूट कवि सूरत के ने लेखक को बहुत दूर तक खदेड़ कर ढेपा से मारा था। एक बार मूसन तिवारी को चिढ़ाया, उनको कहा बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, तो उन्होंने बगल में स्कूल में जाकर कंप्लेन कर दिया। वहाँ से स्कूल के शिक्षक ने दो चार विद्यार्थी को भेजा और उसे पकड़ कर लाया। सभी भाग गए, ये भोलानाथ पकड़ा गया, इसको खूब मार पड़ी। इसकी पिताजी को जब पता चला तब वहाँ से उनको लाकर किसी तरह चुप कराया। इस प्रकार बहुत सारे, जैसे पानी बरस रहा था तो कैसे छूटेगा, तो उस समय में ये लोग बोलते एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। खेत में चिड़िया जब फसल चुगने के लिए आ जाते हैं तो उसको चिड़िया की जान जाए, और लड़कों का खिलौना जो कहते हैं वही करते। एक बार टीले पर चूहे को बिल को देखकर उसमें ये लोग सभी पानी डालने लगे। गणेश जी का चूहा तो नहीं निकला, लेकिन शंकर जी का सांप उसमें से निकला। उसको देखकर सभी रोते चिल्लाते भागे, जहाँ तहाँ गिरे, शरीर लहूलुहान हो गया, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। मैं घर ही की ओर भागा, बाबूजी असोरे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने बहुत पुकारा पर मैंने माँ की गोद में शरण ली, मैं उनके अंचल में छिप गया। माँ सब काम छोड़कर रो पड़ी और भय का कारण पूछने लगी, कभी अंग भरकर दबाती और कभी मेरे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई, झटपट हल्दी पीसकर लगाई। मैं सांसा करते हुए माँ के अंचल में छिपा जा रहा था, घर में कोहराम मच गया, सारा शरीर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे, आंखें खोलना चाहते थे पर खुल नहीं रही थी। मेरे कांपते हुए होठों को देखकर माँ रोती और बड़े लार से गले लगाती। इसी बीच बाबूजी दौड़े आए, माँ की गोद से मुझे लेने लगे, पर मैंने माँ के अंचल की प्रेम और शांति के चंदोवी की छाया नो छोड़ी। तो इस प्रकार इस कहानी का सारांश यही है। अगले क्लास में प्रश्न उत्तर समझाए।